Hello friends, this is CA Shivam Palan and today is our lecture number one. आज हमारा पहला क्लास है जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में. आज का लेक्चर क्या किस बारे में है, क्या क्या चीजें हम डील करने वाले हैं, मैं वो बताता हूँ. आज के लेक्चर में हम सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे, फिर उसके डिटेल्स देखेंगे कौन से चैप्टर है, चैप्टर से कैसे डील करना है, और एक ओवरव्यू एक तैयार करेंगे. इन शॉर्ट में बोलूँ तो रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट से प्यार करवा देंगे. सर, सब्जेक्ट को समझना काफी ज्यादा जरूरी है बिफोर यू मूव टू ईच एंड एवरी चैप्टर्स. तो आज का ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो है इसमें हम रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है. अब सब्जेक्ट में आने से पहले कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू फोकस ऑन. नंबर वन, डिस्क्रिप्शन अगर आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चैनल बनाया हुआ है रिस्क मैनेजमेंट का नाम, जिसमें मैं डेली एक रिस्क मैनेजमेंट की केस स्टडीज पोस्ट करता हूँ. दिस इज अ समरी लेक्चर, यहाँ पे कोई एक लाइन टू लाइन मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, दिस इज अ समरी लेक्चर, ठीक है. दूसरा चीज, हाँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का चैनल डाला है जहां पे मैं डेली केस स्टडीज पोस्ट करता हूँ, और वहां पे मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि तुम आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से टाइप ऑफ द रिस्क है. उससे होता क्या है, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिस्क जो उस केस स्टडी में मेंशन है, तो उसमें आपको फायदा यह होगा कि आप सब्जेक्ट के टच में रहोगे, नंबर वन. नंबर टू, आपको ये फायदा होगा कि यू विल नॉट फॉरगेट द सब्जेक्ट, ओके, यू विल नॉट फॉरगेट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी ऑन योर माइंड, मतलब ऑन योर टोज, ठीक है. तो ये काफी एडवांटेज होगा एंड दिस विल हेल्प यू आउट टू स्कोर द गुड मार्क्स, दिस विल हेल्प यू आउट टू स्कोर द गुड मार्क्स. सर, अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, कैसे गो थ्रू करना है, पेपर कैसा आता है, एक बार पूरा एक ब्रीफ दे देता हूँ, देन वील मूव टू आवर समरी पार्ट की जो जो क्रक्स एरिया है विच इज इम्पोर्टेंट बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. तो दिस इज द मॉड्यूल फॉर पेपर सिक्स रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, जहां पे आप देखोगे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में हमें टोटल नंबर 9 चैप्टर्स है. सर, टोटल 9 चैप्टर्स है, जिसमें से अगर मैं देखूं तो पहले के जो 3 चैप्टर है वो तो मेरे को रिस्क के बारे में ही बताते हैं. नंबर 1 चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू रिस्क, सेकेंड इज सोर्सेस एंड इवेल्युएशन ऑफ रिस्क, थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट. तो ये जो 3 चैप्टर हैं, ये तो तुमको रिस्क के बारे में जानकारी देंगे. अगर ये 3 चैप्टर ढंग से कर लिए ना, तो ही रिस्क मैनेजमेंट समझ में आएगा, पहली चीज बता रहा हूं. दिस इज द क्रक्स ऑफ एंटायर रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर, ठीक है. फिर आता है जो नया चैप्टर है, इवेल्यूशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, रिस्क मॉडल जो थोड़ा बहुत SFM से भी रिलेटेड है, और इसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं वॉर के रिगार्डिंग. फिर आता है तुम्हारा क्रेडिट रिस्क एंड मैनेजमेंट, दिस इज अ स्पेसिफिक, दिस आर द चैप्टर्स व्हिच विल टॉक अबाउट द स्पेसिफिक रिस्क. द चैप्टर नंबर 6 जो है तुम्हारा स्पेसिफिक रिस्क पे बात करेगा. चैप्टर नंबर 7 इज रिस्क एसोसिएटेड विद कॉर्पोरेट गवर्नमेंस, ये भी फिर से स्पेसिफिक चीजों पर बात करेगा. ERM एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ये भी स्पेसिफिक चीजों पर बात करेगा. हम एक एक टॉपिक पे जाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे भाई चैप्टर्स में क्या है, कैसे डील करना है ना, तो वो सब हम डील करेंगे. तो उस पर आप टेंशन मत लो, एज ऑफ नाउ यू जस्ट गेट अ ओवरव्यू कि क्या है रिस्क मैनेजमेंट, कितने चैप्टर है, सिंपल सा चीज है, रिस्क मैनेजमेंट में 9 चैप्टर है. सर, लास्ट चैप्टर है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है. एक एक चीज पे समझेंगे, फर्स्ट लेक्चर खत्म होने के बाद तुमको लगेगा भैया दिस इज द सब्जेक्ट विच आई वॉन्टेड टू गिव, दिस इज द सब्जेक्ट विच आई वॉन्टेड टू सिलेक्ट इन एग्जाम, वाई वो पता पड़ जाएगा. बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर काफी स्टूडेंट्स ये चीज मिस आउट कर देता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच द स्टूडेंट शुड नॉट मिस आउट. ये बोलता है कि कुछ इंटरमीडिएट का चैप्टर, इंटरमीडिएट से और फाइनल से SFM से तुमको ये चैप्टर प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है. तो ये आई से टू द स्टूडेंट्स कि इस पे स्पेसिफिकली तुम ध्यान दो कि ये चैप्टर करके ही जाना है. दिस आर द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इन सब चैप्टर्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, ये सब प्रैक्टिकल चैप्टर है जहां पे तुमको करके ही जाना है, ओके. अब मूव करते हैं हमारा पेपर पैटर्न पे और आज के डिस्कशन मटेरियल पे. CA फाइनल पेपर 6 से रिस्क मैनेजमेंट में तुम्हें 5 केस स्टडीज दी रहेगी, ठीक है.
उन पांच केस स्टडीज में से तुम्हें चार केस स्टडीज सिलेक्ट करनी है, फोर केस स्टडीज यू हैव टू सिलेक्टेड। अब सर चार केस स्टडी कौन सी सिलेक्ट करूं वो बताओ मुझे पहले। भाई चार केस स्टडीज वो सिलेक्ट करो जिसमें तुम्हें लगता है ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सर अब ये चार केस स्टडीज का डिसीजन मैं कब लूं? क्या मैं वन आर चार घंटे में एक एक केस स्टडी सॉल्व करूं, या तो फिर मैं रीडिंग टाइम में डिसाइड करूं कि कौन सी केस स्टडी सॉल्व करना है? ये जैसे जैसे लेक्चर खत्म होते जाएगा, जैसे जैसे तुम्हारे कंसेप्ट बिल्ड होते जाएंगे, वैसे वैसे मैं तुमको बताऊंगा कि भाई कैसे केस स्टडीज को जज किया जाता है, कौन सी केस स्टडी तुम जल्दी सॉल्व कर सकते हो, कौन सी केस स्टडी में तुमको टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये जैसे जैसे कंसेप्ट बिल्ड हो गए उसके बेसिस पे आई विल टेल यू के वो कैसे हो पाएगा। बट एज ऑफ नाउ तुम समझो कि CA Final पेपर 6 में पांच केस स्टडीज है जिसमें से तुमको चार केस स्टडी सिलेक्ट करनी है और ईच केस स्टडी इज ऑफ 25 marks। ठीक है, उस 25 मार्क में से हर एक केस स्टडी में 10 मार्क के एमसीक्यू रहेंगे। मतलब क्या, 5 मार्क के 2 एमसीक्यू और 15 मार्क के तुम्हारे एक आंसर रहेगा, क्वेश्चन आंसर पैटर्न रहेगा। अब 15 मार्क का जब जो क्वेश्चन आंसर पैटर्न है, या तो उसमें 4 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, 5 मार्क का हो सकता है, 6 मार्क का हो सकता है, 7 मार्क का हो सकता है, इट कैन बी एनी पैटर्न। ठीक है, कोई पैटर्न फिक्स डिफाइंड नहीं है, इट कैन बी 5 5 5, इट कैन बी 4, है ना, 4 7 और जो भी है ना, तो उसके हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन टोटल 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब केस स्टडीज पैटर्न है, एमसीक्यू है। ठीक है, अब सवाल आता है कि इज इट अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तुम डिसाइड करो, दो तीन लेक्चर देखने के बाद तुमको पता पड़ जाएगा स्कोरिंग है नहीं है। पेपर पैटर्न अपन भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी देखेंगे, एक आइडिया ओवरव्यू बन जाएगा। बट आइडियली यस, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, और कुछ पहले कॉमन डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। द स्टूडेंट्स यूजुअली आस्क कि वेदर द SFM नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सब्जेक्ट और नॉट। द आंसर इज नो, बट फॉर द चैप्टर्स विच आई हैव शोन यू इन दिस, है ना, जो मैंने बोला था कि इसमें तो तुमको लगेगा ही, इसमें तुमको SFM का नॉलेज लगेगा ही, अनिवार्य है, इट इज मैंडेटरी फॉर दिस चैप्टर्स। ओके, स्पेसिफिकली सेकंड थिंग द स्टूडेंट्स आस्क इज कि इज द सब्जेक्ट स्कोरिंग। द आंसर इज यस, द सब्जेक्ट इज स्कोरिंग। The students also ask ki whether the subject helps after you become a CA. The answer is no. No one cares about which elective you have taken in your exams. Interview mein they never ask ki kaun sa elective liya hai. Unko ye bhi nahi pata rehta ki elective paper hai. Theek hai? But in future it might get developed. Ab aata hai sir risk management ke bare mein, hume go through karwa. Theek hai? Let's start with the term. ठीक है, यहां से हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज अ सीरियस डिस्कशन वी आर स्टार्टिंग ऑन। ठीक है, सब एकदम ध्यान से सुनो। रिस्क मैनेजमेंट, दो शब्द बने, रिस्क और एक मैनेजमेंट। सर रिस्क का मतलब क्या होता है मुझे ये बताओ। रिस्क का मतलब जानने से पहले उसका एक ओवरव्यू जानना पड़ेगा तुम लोगों को। क्या बोल रहा हूं मैं, रिस्क का मतलब जानने से पहले तुमको एक ओवरव्यू जानना पड़ेगा। रिस्क का जन्म हुआ है डिसीजन से, रिस्क का बर्थ, रिस्क का जो जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, वो होता है डिसीजन से। जैसे ही किसी ने डिसीजन लिया वहां पे रिस्क होना चालू। अरे क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। जैसे ही तुमने डिसीजन लिया वहां पे रिस्क होना चालू। सर एग्जांपल ले लेता हूं, मैं CA में आने का डिसीजन लिया, वहां पे रिस्क चालू। सर मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, ये मेरे लिए रिस्क है साहब। ठीक है, तो जैसे ही मैंने डिसीजन लिया वहां पे तुम्हारा रिस्क का जन्म हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब क्या ये डिसीजन मेरा हो या दूसरे का हो, उससे भी रिस्क होता है। सॉरी, देखा बताओ, क्या वो डिसीजन मेरा हो या दूसरे का हो, उससे भी रिस्क होता है। कैसे, एग्जांपल लेते हैं सर। जैसे ही नेटफ्लिक्स का ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे PVR को डर लग रहा है कि भैया whether I will be able to sustain in a market or not. Why? Netflix का business concept क्या है? Business concept समझेंगे हम, ज्यादातर real life problem solve करेंगे, real life को समझेंगे, तभी तुम risk management को समझ पाओगे। ठीक है, I talk more of a realistic terms instead of ये सब, इसलिए मैं Telegram में real life case studies डालता हूँ और उस पर students को focus करता हूँ कि you think what are the risks that are faced by these companies.
ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स का बिजनेस क्या है, अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल, जहां पे भी जाते हो ऑडिट पे जाते हो कहीं पे भी जाते हो एक बिजनेस मॉडल समझो। व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल ये है कि मैं तुमको एक वीडियो प्लेटफॉर्म या एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करूंगा थ्रू पोस्टिंग द मूवीज, थ्रू पोस्टिंग द हमारा वेब सीरीज है ना, ये सब मैं पोस्ट करके क्या करूंगा, लोगों को एंटरटेनमेंट करूंगा। ठीक है, बट यहाँ पे पीवीआर को रिस्क क्या है भैया जी, अगर कल जाकर लोगों को नेटफ्लिक्स की आदत लग गई, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कल जाके लोगों को नेटफ्लिक्स की आदत लग गई तो पीवीआर का धंधा गया। पीवीआर विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इन अ मार्केट if the people are addicted to the Netflix. After looking down to this corona situation, it seems that the PVR is more at risk. और तुम देखोगे तो PVR का share price इसलिए गिर रहा है। ठीक है? सर ये risk था, क्या था? ये risk था। सर ये PVR को risk है क्योंकि Netflix grow हो रहा है, Netflix grow हो रहा है, PVR down हो रहा है, Netflix grow हो रहा है, PVR down हो रहा है। ये PVR के लिए क्या है? Risk है। अब पीवीआर के लिए रिस्क है, उसको अब उसको मैनेज करना पड़ेगा। ये कैसे पता पड़ेगा? उसको पता पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट के द्वारा। सर मेरे पास रिस्क है, मेरे को पता है, बट हाउ आई एम सपोज टू मैनेज इट? थ्रू रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। थ्रू रिस्क मैनेजमेंट में को पहले रिस्क पता करो फिर मैनेज करो, रिस्क पता करो फिर मैनेज करो। ठीक है, अब मैं आता हूं कि डिसीजन जब भी मैं लेता हूं तो डिसीजन में दो चीजें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले मैंने बोला रिस्क का जन्म होता है decision से। Once the decision is taken, decision is always based on two things. One is probability and one is consequence. One is probability and one is consequence. Sir, probability मतलब क्या? Probability मतलब होने की संभावना, किसी भी चीज की होने की संभावना को मैं कहता हूं भैया probability है। Simple सा example, tossing a coin, either it will be head or a tail, it is a probability. And no one can challenge the rule of a probability in the world. If you toss the coin for n number of times, you will definitely get a 0.5% of outcome. This is the rule of world. ठीक है? तो decision हमेशा दो चीज़ पे based रहेंगे, एक probability और दूसरा consequence. Sir, probability मतलब होने की संभावना and consequence मतलब impact, असर, कितना असर होगा, कितना उसको जोर से फटका पड़ेगा। लोकल भाषा में बोलूं तो कितना जोर का फटका पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस एंड इम्पैक्ट। अब कॉन्सिक्वेंस सर, या तो मेरा कॉन्सिक्वेंस जो रहेगा वो आइदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कॉन्सिक्वेंस विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सर पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब क्या? कॉन्सिक्वेंस या तो मेरे लिए फायदेमंद होगा या तो फायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस या तो मेरे लिए फायदेमंद होगा या तो नहीं होगा, और उसके बेसिस पे एक आउटकम डिसाइड होगा। प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस मिलके, प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस मिलके एक आउटकम डिसाइड करेंगे, और वो आउटकम जो भी आउटकम आएगा वो कंपनी के लिए या तो फायदेमंद रहेगा या तो बुरा रहेगा। सर वो आउटकम या तो कंपनी के लिए फायदेमंद रहेगा या तो बुरा रहेगा, इसलिए मैंने बोला द आउटकम विल डिसाइड दैट वेदर द रिस्क टेकन हैज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। है ना, वो आउटकम जो आएगा, चाहे देखो रिस्क लेना बुरा नहीं है, टेकिंग रिस्क इज नॉट बैड, taking risk is not bad, but taking an excessive risk which is more than your capacity, tumhari capacity se zyada ka risk loge to buri baat hai, hai na? In sab ke liye terms hai, kitna capacity hai, risk appetite kya hai, aage apan dekhenge, aaj isi lecture mein dekhenge risk appetite kya hota hai, hai na? To ye sab terms hai, bahut important hai before you start the lecture. आज का लेक्चर बहुत ध्यान से सुनो, मैं दो तीन बार सुनो, बट बहुत ध्यान से सुनो आज का लेक्चर। ठीक है, तो मैं शुरुआत कहां से किया? रिस्क हुआ डिसीजन से, डिसीजन लेने पे या तो प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस, अब एक आउटकम डिराइव होगा, उस आउटकम के बेसिस पे मेरे को पता पड़ेगा कि भैया जी जो मैंने रिस्क लिया है, द रिस्क व्हिच इज टेकन हैज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, वेदर इट इज एन अपॉर्चुनिटी और अ थ्रेट फॉर मी। ओके, अब यहां पे उसके बेसिस पे एक मैट्रिक्स बनता है जिसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज अ ओवरव्यू, मैं चैप्टर पे नहीं जा रहा हूं, ये सिर्फ ओवरव्यू है जो तुमको बताना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट चालू होने से पहले, फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स क्या होता है साहब? रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स में हमें एक चार पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम देखते हैं बेस्ड ऑन योर प्रोबेबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंस। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से समझना, एकदम ही दिल दिमाग कलेजे में उतार लो, बिकॉज इस पे ऑलरेडी हर एक अटेम्प्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछता है, हर एक अटेम्प्ट में।
ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 8 or 9 आई थिंक ना, उसका कंटेंट है। तो समझते हैं भाई रिस्क मैनेजमेंट इसके बेसिस पे क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस और प्रोबेबिलिटी। सर प्रोबेबिलिटी या तो कम होगी या तो ज्यादा होगी, कॉन्सिक्वेंस मतलब इंपैक्ट असर, सर असर या तो ज्यादा रहेगा या तो कम रहेगा। उसके बेसिस पे मैंने चार ब्लॉक में डिवाइड किया है, लो प्रोबेबिलिटी लो इंपैक्ट, हाई प्रोबेबिलिटी लो इंपैक्ट, लो प्रोबेबिलिटी हाई इंपैक्ट, हाई प्रोबेबिलिटी हाई इंपैक्ट। सर सिंपल सा समझ में आता है, अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और इंपैक्ट ज्यादा है, अगर किसी भी चीज का होने की चांसेस ज्यादा है, इफ एनीथिंग व्हिच हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट इज हाई एंड इंपैक्ट इज ऑल्सो हाई, द कंपनी शुड नॉट डू इट। सर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोविड के टाइम, कोरोना के टाइम सबको ऑफिस में बुलाऊंगा और बोलूंगा भाई तुम काम करो, बाजू बाजू में बैठो, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि लोगों को कोविड हो जाएगा एंड इंपैक्ट भी ज्यादा है कि लोगों को कोविड हो जाएगा। तो इस चीज को हर एक कंपनी चाहती है कि उसे अवॉइड करे, उसे ना करे, उसके तरफ ना जाए, करेक्ट। तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट मेरी स्ट्रेटेजी क्या हो गई कि भैया जी उसको अवॉइड करो, ट्राई टू अवॉइड दैट रिस्क विच हैज हाई प्रोबेबिलिटी एंड हाई इंपैक्ट। ठीक है सर, एक और एग्जांपल दो हाई प्रोबेबिलिटी हाई इंपैक्ट। सर एग्जांपल है फॉर्मूला वन रेसिंग कार। फॉर्मूला वन रेसिंग कार में अगर कोई भी बंदा जाता है उसको उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि वो घड़ी घड़ी करेगा, ही वॉन्ट्स टू डू दैट थिंग अगेन एंड अगेन। सर मेरे को बोला मेरे को कार चलाने जाना एकदम तेज, चला भाई, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तेरी मरने की और इम्पैक्ट भी ज्यादा है तेरे मरने का, कॉन्सिक्वेंस भी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है और इम्पैक्ट भी ज्यादा है। इस सब इवेंट्स को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि कंपनी शुड ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप्स ऑफ इवेंट्स, द कंपनी शुड ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ इवेंट। इसको अवॉइड कर दो, इसको राइट कर दो। सर दूसरा चीज होता है लो प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट। लो प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ ओल्ड कार, इफ यू हैव अ ओल्ड कार और तुम उसको कभी कभी निकालते हो, डेली बेसिस पे नहीं निकालते हो, अगर तुम्हारे पास ओल्ड कार है और तुम उसको डेली बेसिस पे नहीं निकालते हो, कभी कभी नहीं निकालते हो, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ओल्ड कार एक्सीडेंट? कम है यार, बहुत कम है। कभी कभी निकालते हैं, लो प्रोबेबिलिटी। इम्पैक्ट, मैं धीरे चलाता हूँ और बोल देता हूँ चलो मैं ओल्ड कार है और धीरे चलाता हूँ और कभी कभी निकालता हूँ, लो प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट। तो इससे कंपनी को कुछ क्या फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा साहब, तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूं चलो अभी के लिए, है ना। तो इसको कंपनी चाहती है कि इसको रिटेन करे। सर मैं अपने पास रखूं, मैं अपने पास रखूं, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको, अगर प्रोबेबिलिटी कम है इंपैक्ट कम है मैं अपने पास रखूं, ठीक है। तीसरा आता है हाई प्रोबेबिलिटी लो इंपैक्ट। सर घड़ी 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 अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन होता रहता है, ठीक है। अब कोई भी चीज घड़ी घड़ी होती है बट उसका इंपैक्ट कम है। कोविड के पहले तक क्या होता था पता है, स्टॉक मार्केट वॉज इन स्टेबल स्टेज, थोड़ा बहुत स्टेबल स्टेज में था, थोड़ा थोड़ा मूव होता था, ठीक है, स्लो, मतलब ज्यादा मूव नहीं होता था, थोड़ा थोड़ा मूव होता था। तो लो उसका प्रोबेबिलिटी मूव होने का था, हाई प्रोबेबिलिटी था भाई मूव होगा, 100 पॉइंट 200 पॉइंट 20 पॉइंट 50 पॉइंट मूव होगा, वो कुछ नहीं मायने रखता, तो 100 पॉइंट प्रोबेबिलिटी था कि मूव होगा बट इंपैक्ट नहीं था। जैसे कोविड का न्यूज आया वैसे उसका इंपैक्ट हो गया, तो वो कोविड का न्यूज आने की वजह से लो प्रोबेबिलिटी हाई इंपैक्ट हो गया, बट नॉर्मली मैं स्टॉक मार्केट को देखता था तो हाई प्रोबेबिलिटी मूव होता था बट उतना इंपैक्ट नहीं देता था, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं और एक और एग्जाम्पल अगर मैं दू हाई प्रोबेबिलिटी सॉरी इसका हाई प्रोबेबिलिटी लो इंपैक्ट का, नहीं चलो एग्जाम्पल ले देता हूँ, एग्जाम्पल आगे का आगे देता हूँ मैं, रिलेट करेंगे उसको फिर अपन, ठीक है। तो मैं बोल रहा था हाई प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट को कंपनी चाहेगी कि उसको रिस्क को क्या करे, रिडक्शन करे, रिस्क को कम करे, ठीक है, रिस्क को क्या करे, कम करे, रिस्क रिडक्शन। और जो लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट है, लो प्रोबेबिलिटी कभी कभी होती है, सर एग्जाम्पल फायर कभी कभी लगती है साहब, रोज नहीं लगेगी फायर, प्रोबेबिलिटी कम है फायर लगने की बट इम्पैक्ट पूरा जला देंगे भाई, है ना। तो फायर को मैं क्या बोलूंगा, रिस्क को मैं ट्रांसफर कर दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए, मला नहीं पाई चाहिए, आई डोंट वांट दिस, आई विल ट्रांसफर इट टू समवन एल्स,
सर, किसी को इंश्योरेंस लेना ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी है. इंश्योरेंस लेना दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कि आई ट्रांसफर वॉट आई ट्रांसफर माई रिस्क टू समवन एल्स. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिस्क मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी. ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला, रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स में हमने चार चीजें समझी, लो प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट, हाई प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट, लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट, हाई प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट. सबके लिए, चारों के लिए एक स्ट्रेटेजीज डिसाइड की, एक के लिए रिस्क रिटेंशन, एक के लिए रिस्क रिडक्शन, एक के लिए रिस्क अवॉइडेंस और एक के लिए रिस्क ट्रांसफर. ठीक है, अब एक अपने को चैप्टर नंबर 9 में अपन देखेंगे कि जनरली मैनेजमेंट जो रिस्क भूल जाता है, मैनेजमेंट भूल जाता है, स्किप कर जाता है, वो है लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट वाला. कौन सा? लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट. ठीक है, ये एक एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. ठीक है, तो लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट वाला जनरली मैनेजमेंट स्किप कर देता है. ठीक है, अब सर एक आपने टर्म लिखा है ब्लैक सॉन इवेंट. ब्लैक सॉन इवेंट मतलब क्या? सर एग्जांपल देता हूँ, दो एग्जांपल देता हूँ. एक COVID-19. सर पता था क्या COVID-19 होगा किसी को? नहीं पता था. क्या ये पता था कि COVID-19 की वजह से कितना इम्पैक्ट आएगा? नहीं पता था. ये इवेंट कभी कभी होता है? हाँ कभी कभी होता है. इसे कहता है ब्लैक सॉन इवेंट. इसे कहते हैं क्या? ब्लैक सॉन इवेंट. The event which is not on a recurring basis and which is of course sometimes once in a while is called as a black swan event. एक और event हुआ था थोड़े दिन पहले, याद है? Demonetization. Demonetization was also a black swan event. कभी कभी होता है साहब, कभी कभी होता है, बहुत rare होता है एकदम से. Black swan event सर ये बतख कभी कभी निकलेगी, ये बतख कभी कभी निकलेगी. ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं एक बढ़िया से चीज के बीच में, रिस्क और अनसर्टेनिटी के बीच में. रिस्क और अनसर्टेनिटी में डिफरेंस कैसा? रिस्क और अनसर्टेनिटी, रिस्क तो तुम अभी तक समझ गए होंगे भाई, रिस्क क्या है? रिस्क आया ही है डिसीजन से, प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस का भाई है वो. उसके बेसिस पे हमने एक टेबल देखा जिस टेबल को हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स. ठीक है, अब तो रिस्क के बारे में मुझे पता. रिस्क मतलब खतरा. ठीक है, आया है डिसीजन से. ठीक है, एक और चीज बताता हूँ, पेपर सिक्स से रिस्क मैनेजमेंट में तुमको कुछ याद नहीं करना है, याद नहीं करना है साहब. तुमको क्या होना चाहिए? यू शुड नो वेयर द थिंग्स आर इन अ बुक, यू शुड नो हाउ आई कैन फाइंड इट, यू शुड हैव द बेस्ट इंडेक्स इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड. ठीक है, बनाएंगे अपन ने बहुत तोड़े इंडेक्स बनाए भाई, किसी का जवाब ही नहीं अपने इंडेक्स के सामने, किसी का जवाब नहीं. तुम देखना इंडेक्स बहुत सही बनाए इस बार. ठीक है, और जो मैं कंपेयर करके पढ़ाऊंगा ना अभी, जो अपना नेक्स्ट लेक्चर तुम देखोगे इसके बाद वाला, तो उसमें मैंने बहुत सही कंपैरिजन किया. एक साइड में इंडेक्स रखा हूँ, एक साइड में मैंने बुक रखा हूँ, और दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर किया और एक्सप्लेन करते गया हूँ, मजा आएगा तुमको. ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्या, रिस्क वर्सेज अनसर्टेनिटी. रिस्क वर्सेज अनसर्टेनिटी, रिस्क तो मैंने बता दिया, अब अनसर्टेनिटी मतलब क्या? अनसर्टेनिटी मतलब क्या कि मुझे पता है इवेंट क्या है, इवेंट इज नोन बट प्रोबेबिलिटी इज अननोन. सर एग्जाम्पल दो, मुझे पता है मेरी कंपनी में आदमी चोरी करेगा, अरे भाई करेगा, नियति वैसी है लोगों की, करेगा भाई. इवेंट इज नोन बट प्रोबेबिलिटी नहीं पता सर. आई कैन नॉट असेस कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल डू द थेफ्ट इन माय ऑफिस. आई डोंट नो दैट, आई एम अनअवेयर ऑफ इट. इसे मैं कहता हूं अनसर्टेनिटी. ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी और इसका डिफरेंस, रिस्क और इसका डिफरेंस, सॉरी अनसर्टेनिटी. एक एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ का. मैं इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहा था DIRM में, तो उसमें क्या था कि इंश्योरेंस कंपनी हाउ डू दे सस्टेन, आई वाज रीडिंग इंश्योरेंस कंपनी हाउ डू दे सस्टेन, बहुत सही मॉडल है, बिजनेस मॉडल बहुत सही इंश्योरेंस कंपनी का. इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस है साहब जितने ज्यादा लोगों को बकरा बना सके बना दे. मतलब क्या? हम लोग हमारा रिस्क कैसे मैनेज करते हैं सर पता है? हम लोग क्या करते हैं, जितनी ज्यादा हमारी पॉलिसी बिकेगी उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है. मोर वी सेल द पॉलिसी द बेटर इट इज फॉर अस, द मोर वी सेल द पॉलिसी द बेटर इट इज फॉर अस. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रोबेबिलिटी, हम इंश्योरेंस वाले खेलते हैं इस गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. हमें पता है सर आज 100 मरीज आएंगे, बट अगर मेरे पास 1000, इफ आई हैव टोटल कस्टमर्स ऑफ 1000 एंड इफ आई गॉट 100 पेशेंट्स टुडे, द प्रोबेबिलिटी इज 1000 बाय 10, दैट इज व्हाट, 1/10 है ना, 1/10 प्रोबेबिलिटी है मेरा. बट इफ आई इंक्रीज माय क्राउड बेस फ्रॉम 1000 टू 50,000 एंड आई नो द नंबर ऑफ पेशेंट्स व्हिच आर गोइंग टू कम इज लेस, सो दिस इज अ गेम ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस कंपनी इस तरीके से रिस्क को मैनेज करती है. समझ में आया? ठीक है,
तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी का एक बैकग्राउंड दिया मैंने। नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये जो है ये गुरु मंत्र है, इसको मैं बोलता हूँ गुरु मंत्र। इसको तुम है ना ऐसे दिल और दिमाग में आधी रात को भी कोई उठा के पूछ ले तो भैया प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज है ना मजेदार चीज है साहब, ये जो चीज है वो मजेदार चीज है। ठीक है, एक अब प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई द रिस्क। सर सबसे पहला तुम्हें रिस्क को आइडेंटिफाई करना होगा। रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करूं वो अपन आगे टेक्निक्स देखेंगे, बट रिस्क को आइडेंटिफाई क्यों करना है, ताकि जो सरप्राइजेस आए, अन इवेंट आए, अननेचुरल इवेंट आए, उससे मैं बच सकूं भाई, उससे मैं बच सकूं, इसलिए मुझे रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब रिस्क को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, एक है SWOT एनालिसिस और ERM। अभी शॉर्ट में समझते हैं, SWOT एनालिसिस तुमने IPCC SM में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, उसके बेसिस पे तुम आइडेंटिफाई करो रिस्क को, बहुत बढ़िया। ERM क्या है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, आगे आएगा आगे समझाऊंगा। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट मतलब ही ओवरऑल बिजनेस के तरीके से हम रिस्क को मैनेज करेंगे, आगे समझाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले बोलता है प्रोसेस में कि तुम इस रिस्क को देखो, समझो, आइडेंटिफाई करो। ठीक है, ये है एनालाइज द रिस्क। अब रिस्क को तुम एनालाइज करो, उसके बाद कितना है रिस्क, ठीक है, इवेल्युएट करो। इवेल्युएट करो मतलब रैंक करो कि कौन सा रिस्क ज्यादा है, कहां पे कम है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, कोविड के टाइम वी हैव क्रिएटेड ज़ोन्स, रेड जोन, ग्रीन जोन एंड हमारा ऑरेंज जोन। ठीक है, इसको भी मैं आगे कोड कलर कोडिंग से बताऊंगा। तो ये जोन का क्रिएशन मेरे लिए क्यों जरूरी है, ये इवैल्यूएशन है, मैं पता करूंगा कि भाई कहां पे रिस्क ज्यादा है, कहां पे रिस्क कम है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ टेक्निक थ्रू व्हिच आई कैन इवैल्यूएट द रिस्क। मैंने पता किया कि भैया रेड जोन में रिस्क ज्यादा है, अब मेरे को ट्रीट करना है। अगला स्टेप क्या आता है, ट्रीट करो, है ना। ट्रीट कैसे करूंगा, भैया वहां पे लॉकडाउन कर दूंगा, उधर खोलूंगा ही नहीं मैं जून तक, अरे भाई खुल जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम होगी तुम्हारी, ठीक है, तो जून तक मान लो कि नहीं होगा तो दिस इज अ वे लॉकडाउन रहेगा, दिस इज अ वे टू ट्रीट द रिस्क। ठीक है, और उसके बाद आता है मॉनिटर द रिस्क। फिर रिस्क को देखो ओवरऑल लेवल पे, अभी देखते रहो कि कहीं तुमको मिल रहा है क्या, है ना। और उसी के लिए मॉनिटर करने के लिए ही हम बनाते हैं रिस्क रजिस्टर। अब रिस्क रजिस्टर क्या होता है सर, बताता हूँ मैं, हर एक चीज को कॉन्सेप्ट को रिलेट कर रहा हूं, बांध रहा हूं, ये सब अलग अलग चैप्टर का क्रक्स है। ठीक है, अब रिस्क रजिस्टर क्या होता है भाई, रिस्क रजिस्टर इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क फॉर अ प्रोजेक्ट। सर एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने कौन कौन से रिस्क को आइडेंटिफाई किया है, ऐसे मैं कहता हूं क्या रिस्क रजिस्टर, उसमें रिस्क रजिस्टर में मैंने सब चीजों का रिकॉर्ड रखा है। क्या बोल रहा हूं मैं, रिस्क रजिस्टर में मैंने सभी चीजों का रिकॉर्ड रखा है कि कौन कौन से रिस्क है, उसको कैसे सॉल्व करूंगा, उसके वेज क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरे को मॉनिटर उसमें कितना नुकसान होगा। सर एक रिस्क रजिस्टर दिखा सकते हो, अरे बिल्कुल दिखाएंगे भाई, क्यों नहीं दिखाएंगे। अभी देखो ये आ गया रिस्क रजिस्टर, जूम कर दो, जूम कर लिया भाई। देखो रिस्क रजिस्टर में क्या क्या बोलते हैं, इसमें है पेन पा, है ना, तो जूम नहीं होगा आई थिंक, है ना, अरे बाप रे बाप, सॉरी, है ना। तो फिर सबसे पहले क्या क्या बोलते हैं, द मेन रिस्क, रिस्क क्या है, है ना, फिर क्या बोलता है, ओनर कौन है, फिर रीजन और कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इम्पैक्ट क्या है, लेवल क्या है, रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी क्या है और कॉस्ट क्या है। देखो भाई ये सब होता है रिस्क रजिस्टर, दिस इज अ रियल लाइफ रिस्क रजिस्टर। जो लोग ने इंटरनल ऑडिट किया होगा ना वो इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, बिकॉज इंटरनल ऑडिट में भी लोग थोड़ा बहुत इससे सिमिलर बनाते हैं, कलर कोडिंग करते हैं, है ना। तो ये रिस्क रजिस्टर है। रिस्क रजिस्टर में क्या होता है, रिस्क रजिस्टर में मैंने तुमको बताया कि कंपनी का ये एक प्रोजेक्ट का हम लोग निकालते हैं कि भैया क्या क्या रिस्क है, ओनर कौन है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इम्पैक्ट क्या है। और ये जो बड़ी लेवल के लोग रहते हैं, बाप लोग जो तुम्हारी कंपनी में बॉस लोग जो रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, जो रिस्क मैनेजर्स रहते हैं, जिन्हें मैं कहूँगा CRO, चीफ रिस्क ऑफिसर जो रहते हैं, चीफ रिस्क ऑफिसर, ये इसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो देखे ये रिस्क रजिस्टर बनाए और कंपनी का रिस्क कमती करे, लो करे, है ना। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CRO टू रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, बैक टू आवर डिस्कशन। ठीक है, रिस्क रजिस्टर देखा हमने, तो मेरे प्रोसेस क्या है रिस्क मैनेजमेंट का, आइडेंटिफाई करूंगा, एनालाइज करूंगा, इवेल्युएट करूंगा, ट्रीट करूंगा और मॉनिटर करूंगा।
सर मॉनिटर कैसे करूंगा? रिस्क रजिस्टर के थ्रू। कौन करेगा? सीआरओ करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रिस्क जो आता है वो दो दो जगह हो सकता है, या तो वो रिस्क इंटरनल रहेगा या तो वो एक्सटर्नल रहेगा। अरे भैया क्या बोल रहे हो, रिस्क या तो इंटरनल रहेगा या तो एक्सटर्नल रहेगा, और उसके अलावा कहाँ रह सकता है? नहीं रह सकता। या तो कंपनी के अंदर रहेगा या तो बाहर रहेगा। सर एग्जांपल, इंटरनल मतलब आदमी ने अंदर ही चोरी कर दिया, एक्सटर्नल मतलब जो नेटफ्लिक्स वाला एग्जांपल दिया था एक्सटर्नल रिस्क। ठीक है, तो या तो वो रिस्क इंटरनल रहेगा या तो वो रिस्क एक्सटर्नल रहेगा, करेक्ट। अब उस रिस्क को मैं या तो कंट्रोल कर सकता हूँ या तो नहीं कर सकता। चार ही चीज होगी, इंटरनल रिस्क रहेगा, एक्सटर्नल रिस्क रहेगा। इंटरनल को या तो मैं कंट्रोल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एक्सटर्नल को कंट्रोल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बस खत्म। बट इस चीज का यहाँ पे रिलेवेंस खत्म नहीं होता। इस चीज का रिलेवेंस ये है कि जैसे तुमने कोई भी रिस्क ढूंढा, क्या बोल रहा हूँ, जैसे तुमने कोई रिस्क ढूंढा वहां पे तुम इस चार चीजों को सोचो हमेशा। सर ये रिस्क इंटरनल है, एक्सटर्नल है, कंट्रोलेबल है, नॉन कंट्रोलेबल है? अरे क्यों भाई, ये चैप्टर वन में है, चीजों को रिलेट कर रहा हूं मैं। और आगे जैसे जब जब चैप्टर पढ़ेंगे ना भाई, तो हर एक चीज को मैं चाहूंगा कि तुम रिलेट करो भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। और तब मैं पूछूंगा कि भाई ये कैसे आया, इंटरनल और एक्सटर्नल मैप कर पा रहे हो क्या, है ना? तो तब ये लेक्चर तुमको याद करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी रिस्क दिखा, कोई भी रिस्क दिखा, ठीक है, वहां पे देखो इंटरनल था एक्सटर्नल था, इंटरनल था एक्सटर्नल था, क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट का स्कोप मैं यहाँ पे खत्म नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइफ में भी काम आएगा, है ना? तो ये रियल लाइफ से भी सोचना, इसलिए मैं रियल लाइफ की स्टडी डाल रहा हूँ ग्रुप में, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब मैंने रिस्क इवेंट डिसाइड कर लिया कि भैया वो इंटरनल था, एक्सटर्नल था, कंट्रोलेबल था, नॉन कंट्रोलेबल था। उसके बेसिस पे मैं कुछ मिटिगेशन टेक्निक्स बनाऊंगा, कुछ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स बनाऊंगा, ताकि मेरी कंपनी सस्टेन रहे, ताकि मेरी कंपनी चलती रहे। क्या सर, मैंने कुछ टेक्निक्स बनाए, वो टेक्निक्स क्या है? सर ये टेक्निक्स तो आपने ऊपर भी बताई थी। अरे भैया यही तो बताया था मैंने इधर, यही तो बताया था मैंने इधर, है ना? और सर उस टेक्निक्स के और भी नाम है, बिल्कुल हाँ। बट उससे पहले एक बढ़िया वाला एग्जांपल दूंगा। सर एग्जांपल ये है, एक स्कूल में बच्चा बहुत मस्ती करता है, सब करते हैं, हम भी किए, बट ये बच्चा बहुत ज्यादा मस्ती करता है, ठीक है? टीचर परेशान, बिल्कुल परेशान होगी, वो लेके गई प्रिंसिपल के पास। और रईस बाप का बेटा एकदम मस्ती करने वाला, एकदम नालायक, ठीक है? अब मस्ती करता है तो प्रिंसिपल के पास चार ऑप्शन थे। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि ये तुमको वर्ड्स याद हो जाए और कैसे होता है। देखो प्रिंसिपल के पास लेके गए, प्रिंसिपल के पास चार ऑप्शन थे, हर प्रिंसिपल के पास चार ही ऑप्शन होते हैं। या तो मैं देखो स्कूल में रहने दू, नंबर वन ऑप्शन, ठीक है, जिसे मैं कहता हूं टॉलरेट, जिसे मैं कहूंगा टॉलरेट, देखो है ना? या तो मैं तेको स्कूल में रहने दू, टॉलरेट करूंगा मैं तेरे को बैठ के, या तो मैं तेको झापड़ मार के, चपाटा मार के, लाफा मार के, डंडी मार के, कुछ भी करके तेरे को ट्रीट करूंगा, सुधार दूंगा, करेक्ट? या तो मैं तेरे को ट्रांसफर कर रहा हूं, आई डोंट वांट यू इन द स्कूल, आई शिफ्ट यू टू द अनदर स्कूल, हमारा दूसरा ब्रांच है वहां पे शिफ्ट कर दो, ठीक है? या तो मैं तेरे को टर्मिनेट कर दूंगा, निकाल दूंगा, आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन माई स्कूल इज वेरी पंक्चुअल अबाउट दिस, ठीक है? तो उसी तरीके से रिस्क मैनेजर को, सीआरओ को, चीफ रिस्क ऑफिसर को हैज टू डिसाइड कि what I am supposed to do with this risk, whether I am supposed to tolerate this risk, whether I am supposed to transfer this risk, whether I am supposed to terminate this risk, or whether I am supposed to treat this risk. This is based on whether the risk is internal, whether the risk is external, whether the risk is controllable, whether the risk is non-controllable. इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे सीआरओ बोलेगा कि भैया जी what is the financial impact, what is the impact, मैं क्या करूं, उसके बेसिस पे सीआरओ डिसाइड करेगा कि क्या मैं रिस्क को ट्रांसफर करूं, टॉलरेट करूं, टर्मिनेट करूं या ट्रीट करूं, मतलब ही मैं रिस्क को रिटेन करूं, ट्रांसफर करूं, अवॉइड करूं या रिडक्शन करूं। समझ में आया? चीजों को रिलेट करो, ठीक है? रिलेट हो रहा है आई थिंक अभी तुम लोगों को, भी समझ में आ रहा है कि चीजें कैसे रिलेट होती है। और यहाँ पे मोटा मोटी रिस्क के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट जो था, ब्रॉड ओवरव्यू था, रिस्क क्या होता है, कैसे टॉलरेट होता है, कैसे मैनेज होता है, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है,
प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है, ये खत्म होता है। अब मैं आता हूं मैनेजमेंट पार्ट पे, ठीक है सर। रिस्क है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी चल पाएगी। थिंक फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, यस, थिंक फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। अब रिस्क है तो मैनेज करूंगा, करेक्ट। अब मैनेजमेंट के कई टेक्निक्स दिए हैं बुक्स में, बट ज्यादातर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स दिए हैं, जो एक कलर कोडिंग है। कलर कोडिंग का मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, एक्सेल में बनाता हूँ, बढ़िया था। देखो अभी बड़ा हो जा, ज़ूम कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो कोविड के टाइम में बोल रहा था, मोदी जी ने तीन कलर बनाए, एक रेड जोन, एक है ऑरेंज जोन और एक है ग्रीन जोन, करेक्ट। ग्रीन जोन मतलब नो रिस्क, करेक्ट। ऑरेंज जोन मतलब मॉडरेट रिस्क और रेड जोन मतलब हाई रिस्क, करेक्ट। अब ग्रीन जोन पे कोई रिस्क नहीं है, रिस्क कम है, यहां पे क्या मेरे को रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा? नो। मॉडरेट जोन में रिस्क है बट कम है, मॉडरेट जोन में रिस्क है बट कम है, यहां पे मेरे को रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा? आंसर इज यस, बट मैं बोलूंगा यहां पे मेरा डेविएशन ज्यादा नहीं रहेगा और यहां पे मेरे को रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा हाँ भाई हाँ, यहां पे तो तुमको सबसे पहले रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। और इसीलिए जहां पे मैंने जो तुमको रिस्क रजिस्टर दिखाया था, फिर से मैं ओपन करता हूं, तो इसलिए इसमें कलर कोडिंग था कि जो रेड है उस पर तुम ज्यादा फोकस करो, जो ग्रीन है उस पर फोकस मत करो, जो मॉडरेट है उस पर मीडियम फोकस करो। इट्स लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल ओनली, ठीक है। तो ट्रैफिक सिग्नल के बारे में भी आएगा चैप्टर नंबर थ्री में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट के टेक्निक्स है, कलर कोडिंग इसलिए बताया ताकि तुमको रिमेम्बर हो जाए, याद हो जाए, है ना। सर ने एक्सेल खुले थे, हाँ भाई, कलर कोडिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वालिटेटिव टेक्निक्स, याद है। यहाँ पे हमारा एक ओवरव्यू क्रिएट हो गया रिस्क के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। अब मैं कुछ ऐसे कॉमन टर्म्स लेने वाला हूँ, ठीक है, करीबन 15-20 टर्म्स होंगे, काफी टर्म्स है। उसके बेसिस पे वो क्यों ले रहे हो? सर ये कॉमन टर्म्स इसलिए ले रहा हूं ताकि तुम्हें एक ओवरव्यू बन जाए, किस चीज का भाई ओवरव्यू, कि क्या होता है, कैसे होता है, है ना। तो एक ओवरव्यू बन जाएगा कि कैसे चीजें मैनेज होती है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉमन टर्म है वो है वैल्यू एट रिस्क। अरे भाई साहब, चैप्टर नंबर 5 रिस्क मॉडल इसमें आता है। सबसे पहला दो चीज समझते हैं, एक एग्जांपल देता हूं यार, एग्जांपल देने का मन हो रहा है, ठीक है। एक इन्वेस्टर है जिसके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ही वांट्स टू इन्वेस्ट दैट मनी इन अ शेयर मार्केट, ठीक है। वो आया मेरे पास, सर आप 10 लाख रुपए लो, सर आप मेरे पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैं बोला बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो आके मेरे को पूछा कि भैया जी, इस पैसे को आप इन्वेस्ट तो कर लोगे? मैं बोला हाँ कर लूंगा। सर बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल लूज दिस मनी? मतलब क्या कि सर क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप ये पैसा लूज कर दोगे? मैं बोला प्रोबेबिलिटी तो नहीं बता सकता, बट मैं देखो एक चीज बता सकता हूँ। मैं बोला क्या? मैं बोलूंगा 99% प्रोबेबिलिटी है कि ये पैसा 50,000 से ज्यादा नहीं डूबेगा। 99% प्रोबेबिलिटी है ये 50,000 से ज्यादा नहीं डूबेगा। अच्छा, मैं बोला, वो बोला सर 1% प्रोबेबिलिटी क्या है? मैं बोला कुछ भी हो सकता है भाई, देख नहीं रहे हो, डिमोनेटाइजेशन, कोरोना, बस वही चीज है। जो मैं 99% प्रोबेबिलिटी का बात किया, विच इज है ना, 99% पे प्रोबेबिलिटी पे मैं बोल रहा हूँ 50,000 डूबेगा अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, दैट इन दैट केस आई वाज टॉकिंग अबाउट द वॉर वैल्यू एट रिस्क, द लॉस विच विल बी देयर एट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे तुमको 50,000 तक का लॉस हो सकता है, बट अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे जैसे कोरोना का इफेक्ट आया, शेयर मार्केट दन दन गिर गया, डिमोनेटाइजेशन हुआ, दन दन गिर गया, है ना। तो अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तुमको कितना लॉस होगा वो बताएगा तुम्हें स्ट्रेस टेस्टिंग, जबकि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कितना लॉस हुआ वो तुमको बताएगा वैल्यू एट रिस्क वॉर। क्या बताएगा? वैल्यू एट रिस्क बताएगा, वॉर बताएगा कि भाई नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मुझे कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेसिल। बेसिल क्या बोलता है भाई? बेसिल बोलता है, बेसिल एक बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है, बैठाई गई है, जो सुपरवाइज करेगी, है ना, रूल्स बनाएगी, सुपरवाइज करेगी बैंक्स को,
सर बेसिल का आप इसको क्यों समझा रहे हो भाई? क्योंकि बेसिल वन, बेसिल टू, बेसिल थ्री है ना, बेसिल्स के अलग अलग गाइडलाइंस है, बेसिल्स के द्वारा डेफिनेशंस है, ये सब तुमको आगे आएगा, फिर तुम घड़ी घड़ी पढ़ोगे सर बेसिल, अरे बेसिल है क्या बता दो, अरे बेसिल एक बॉडी है भाई जो बनाई गई है किसके द्वारा, बैंकिंग के द्वारा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को सुपरवाइज करेगी। सर ISO 31000 क्या है फिर? ISO 31000 क्या है? ISO 31000 जो है, इट इज अ स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट, फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट। ये क्यों बनाया गया है भाई? ये बनाया गया है ज्ञानबाजी करने के लिए, टू प्रोवाइड अ प्रिंसिपल, टू प्रोवाइड अ गाइड, है ना, गाइडलाइंस किस पे, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये तुम्हें गाइडलाइंस देगा। ISO 31000 का डेफिनेशन क्या है रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर, ये कुल खत्म। याद करना है? नहीं याद करना है भाई, बट पता तो होना चाहिए ISO है क्या, करेक्ट, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट याद करने का कुछ नहीं है, ओनली द थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू नो वेयर द थिंग्स आर प्लॉटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SA 315 मेरा फेवरेट है। अरे भाई, identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment and its relevant internal control. Sir, risk of material misstatement मतलब क्या? Risk of material misstatement मतलब क्या? ऐसी गलती जो material है, important है ना, जिसकी वजह से auditor का decision change हो सकता है। मिसस्टेटमेंट है, गलती है, मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑडिटर का डिसीजन चेंज हो सकता है। तो ऑडिटर का जिम्मेदारी है कि वो अंडरस्टैंड करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, असर्शन लेवल्स पे अंडरस्टैंड करे कि क्या रिस्क है। ठीक है, ये होता है 315 के द्वारा। 315 के बारे में क्यों बता रहे हो? बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट, इफ आई टॉक इन ओवरऑल टर्म, तो रिस्क मैनेजमेंट इज मोर अबाउट द ऑडिट, है ना, ऑडिट के बारे में बताएगा, ऑडिट टाइप ही लगता है। और ऑडिट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो बात अलग है कि ऑडिट में 40 मार्क आए थे। ठीक है, तो आई डिड माय इंटर्नशिप इन ऑडिट बैकग्राउंड, यूएसए इंटर्नशिप किया था, सो बट वो रिलेट मत करो कि हाउ डिड यू स्कोर 40 मार्क्स। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, ओईसीडी, व्हाट इज एन ओईसीडी? ओईसीडी क्या है? एन ओईसीडी इज अ इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करता है, ये बनाया गया है ताकि कंट्रीज जो है, डेवलप कंट्रीज जो है ना, कंट्रीज जो है वो फटाफट डेवलप हो सके। ओईसीडी एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाया गया है ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट, मोस्ट डेवलप कंट्रीज, ताकि कंट्रीज डेवलप हो सके फास्ट, ताकि कंट्रीज क्या हो सके, डेवलप हो सके फास्ट। ठीक है, ओईसीडी समझ में आ गया। अब थोड़ी चीज, अब मजेदार टर्म समझते थोड़े, है ना, एक होता है रिस्क एपेटाइट, एक होता है रिस्क टॉलरेंस। एक होता है रिस्क एपेटाइट, एक होता है रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस मतलब क्या? वर्डिंग पढ़ता हूँ, हाउ मच रिस्क एन ऑर्गेनाइजेशन कैन टॉलरेट और विलिंग टू विदस्टैंड। ठीक है, मैं कितना रिस्क टॉलरेट कर सकता हूँ, ये होता है रिस्क टॉलरेंस। तुम्हारा टॉलरेंस लिमिट कितना है? देखो, रिस्क लेना बुरी बात नहीं है, रिस्क लेना अच्छी बात है, बट टू अ लिमिट विथ दोनों अलग अलग चीजें। मेरी इच्छा ही नहीं है खाना खाने की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाना नहीं खा सकता, समझ रहे हो? रिलेटेड विद रिस्क, मेरी इच्छा नहीं है सर रिस्क लेने की, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिस्क ले नहीं सकता। एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरा इच्छा नहीं है अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वैसे ये दोनों टर्म्स है। रिस्क टॉलरेंस मतलब क्या, कि मैं कितने रिस्क को टॉलरेट कर सकता हूँ साहब, बट रिस्क एपेटाइट मतलब क्या, कि मैं कितना रिस्क लेने की इच्छा रखता हूँ। करेक्ट, मैं कितना रिस्क लेने की इच्छा रखता हूँ। तो रिस्क एपेटाइट पे काफी क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको बुक में भी, और ये काफी चैप्टर्स में इंटर रिलेशन है रिस्क एपेटाइट का। नेक्स्ट आते हैं हम रिस्क एवर्स, रिस्क न्यूट्रल, रिस्क सेकिंग। भाई तीन प्रकार के बंदे रहते हैं। एक बंदा जिसको हमेशा डर लगा हुआ रहता है कि मेरे को रिस्क नहीं लेना है, मेरे को सीधा साधा जीवन जीना है। ठीक है, तो इफ यू गो टू अ गुड इन्वेस्टर, है ना, इफ यू गो टू एन गुड इन्वेस्टर, he asks you three type of question, which type of person you are, what is your age limit, है ना, age limit मतलब तुमको तुम्हारी एज क्या है, उसके बेसिस पे वो तुम्हारा रिस्क एपेटाइट निकालते हैं, है ना, उसके बेसिस में। देखो, अब मैं अब से आई यूज द स्टार्ट यूजिंग द टेक्निकल टर्म्स, है ना, उसके बेसिस पे
हम क्या निकालते हैं, रिस्क एपेटाइट, हाउ मच रिस्क यू आर विलिंग टू टेक, रिस्क एपेटाइट निकालते हैं. तो whether you are a risk averse person, whether you are a risk neutral person or whether you are a risk seeking person, the terms itself explain what I want to say. फिर भी मैं समझाता हूँ. रिस्क एवर्स मतलब क्या, भाई मैं फट्टू आदमी हूँ, मैं फट्टू आदमी हूँ, मेरी फटती है भैया रिस्क से, अपन डेट में ही खुश है, अपन लिक्विड फंड में ही पैसा इन्वेस्ट करें, मेरी फटती है भाई, मेरी फटती है भाई, है ना, तो मैं रिस्क एवर्स बन रहा हूँ. रिस्क न्यूट्रल मतलब क्या, आई विल इन्वेस्ट इन बोथ, आई विल इन्वेस्ट इन बोथ, आई एम दिस टाइप ऑफ पर्सन, मैं रिस्क न्यूट्रल पर्सन हूँ. ठीक है, रिस्क सीकिंग मतलब भाई अपनी नहीं फटती, पैसा डूबे डूबे कुछ नहीं होगा अपने को, अपन भैया से इक्विटी वाले आदमी है, अपना जीगरा है भाई, जीगरा भाई का जीगरा बड़ा है, कुछ नहीं होगा, डालो इक्विटी में, डालो बॉन्ड्स में, डालो इसमें, डालो ऑप्शंस में, डालो फ्यूचर्स में, डालो है ना, बिटकॉइन में डालो, जहां डालना है डालो, अपना भाई जीगरा है, जीगरा भाई का जीगरा है, लगा भाई रिस्क सीकिंग आदमी हो तुम, तुम्हारा वही है. ठीक है, अब दो शब्द समझो, इनहेरेंट रिस्क, रेसिडुअल रिस्क. इनहेरेंट रिस्क, रेसिडुअल रिस्क, इसके लिए भी एक एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल समझो. पहले सीएफएनएल का पेपर चल रहा है, क्लास में लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बढ़िया पेपर लिख रहा है. ठीक है, धीरे से मास्टर जी, जो मास्टर जी थे क्लास में, ही लेफ्ट आउट द क्लास फॉर सम रीजन बिकॉज ही गॉट सम फोन कॉल. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ही लेफ्ट आउट ऑफ द क्लास, बहुत बढ़िया. चांस ऑफ चीटिंग इंक्रीज्ड, यस इनहेरेंट रिस्क है. एग्जांपल नहीं समझ में आया, सब समझो. मास्टर जी जैसे क्लास के बाहर निकले, बच्चों ने चीटिंग करना चालू कर दिया. मास्टर जी को भी पता है, तुमको भी पता है, इनहेरेंट रिस्क है, कुछ नहीं कर सकते. मास्टर जी नहीं रहेंगे, बच्चे चीटिंग करेंगे, इनहेरेंट रिस्क है, बच्चों के खून में. सर सीए फाइनल वाले भी, अरे हाँ भाई तुमको नहीं करना है पर. ठीक है, तो इनहेरेंट रिस्क है सर, मास्टर जी बाहर गए, बच्चे चीटिंग करेंगे, इनहेरेंट रिस्क है सर, बच्चे चीटिंग करेंगे. अब रेसिडुअल रिस्क मतलब क्या, सर मास्टर जी क्लास में, मतलब कंट्रोल आ गया, मतलब कंट्रोल है सर, मास्टर जी क्लास में मतलब कंट्रोल है सर, मास्टर जी के होने के बाद भी बच्चे चीटिंग करते हैं, वो रेसिडुअल रिस्क, बच्चा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, रेसिडुअल. तो व्हाट आई से इज, इफ आई कैलकुलेट द स्कोर, कैलकुलेट द स्कोर ऑफ इनहेरेंट रिस्क माइनस रेसिडुअल रिस्क, आई विल गेट अ कंट्रोल स्कोर, आई गॉट अ कंट्रोल स्कोर. मतलब क्या, अगर जब मास्टर जी बाहर थे तब 100 बच्चे चीटिंग करते थे, है ना, अरे बाप रे, है ना, अब मास्टर जी जब क्लास में है फिर 10 बच्चे चीटिंग करते हैं अभी, है ना, मास्टर जी जब क्लास में तब 10 बच्चे चीटिंग करते हैं, जो मेरा कंट्रोल स्कोर हो गया 90, मेरा कंट्रोल स्कोर कितना हो गया 90. ठीक है, अब मैं चैप्टर के ओवरव्यू पे आ रहा हूँ, है ना, और अपना यहाँ पे डिस्कशन खत्म हो जाएगा, तो अब मजेदार आएगा, आई विल मूव टू द फर्स्ट स्टेप. सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू रिस्क में हम रिस्क के बारे में समझेंगे, क्या है रिस्क, कैसे है, कौन कौन टाइप ऑफ रिस्क है. सोर्सेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क में भी रिस्क के बारे में समझेंगे, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में समझेंगे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है. रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर छोटू सा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, बट है ना, इसमें भी ये तो मेजरली अभी कवर हो चुका है. ठीक है, जो समझाया, लिंक समझाया, उसे कवर हो चुका है. ये अभी नया चैप्टर है ना, आईटी रिस्क के बारे में पढ़ेंगे, इसमें डिजास्टर रिस्क के बारे में पढ़ेंगे, रिस्क कल्चर क्या है, एटीट्यूड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ना वो सब पढ़ेंगे. रिस्क मॉडल में मैंने अभी तुमको बताया क्या, वॉर के बारे में बताया, स्ट्रेस टेस्टिंग बताया क्या होता है. ठीक है, सिनेरियो एनालिसिस और कंट्री रिस्क, सॉवरेन रिस्क, है ना, ये सब पढ़ लेंगे. ठीक है, ये उतना वो नहीं है, बट मजेदार है, मजा आता है कंट्री रिस्क पढ़ने में, है ना. और ये इसमें है ना काफी सारी केस स्टडीज है, 2008 क्राइसिस है, थोड़ा सा पढ़ो यार, वो चैनल जो ज्वाइन करो मैंने टेलीग्राम पे जो है उसमें हम केस स्टडीज डालते हैं, तो यू विल एबल टू रिलेट द थिंग्स. इफ आई से व्हाट इज अ 2008 क्राइसिस, यू शुड नो व्हाट इज अ 2008 क्राइसिस, व्हाट हैज हैपेंड इन 2008 क्राइसिस. इफ आई स्पीक अबाउट द सत्यम, यू शुड नो कि व्हाट इज सत्यम, है ना, सत्यम ने क्या, राजू ने क्या किया था, है ना, क्या क्या चीजें किया था, कैसे फ्रॉड किया था, है ना. इफ आई टॉक अबाउट द पीएनबी, तो व्हाट डज नीरव मोदी हैज डन, है ना, वो सब चीजें तुम्हारे दिमाग में इंस्टेंटली खुलना चाहिए, अरे भाई ये, सो दैट द बेटर यू डू इट द मोर यू विल एबल टू रिलेट द थिंग्स. ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रेडिट रिस्क. सर क्रेडिट रिस्क मतलब क्या, है ना भाई, क्रेडिट रिस्क मतलब होता है कि मेरा पैसा वापस आने का डर, ना आने का डर, सॉरी, मेरा पैसा वापस ना आने का डर, उसे कहते हैं क्रेडिट रिस्क. सर क्रेडिट रिस्क में हम हमेशा बैंक के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे. किसके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, बैंक के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे. बैंक के पर्सपेक्टिव से पैसा आएगा नहीं आएगा, बैंक के पर्सपेक्टिव से क्रेडिट रिस्क है नहीं है. ठीक है, ये होता है क्रेडिट रिस्क.
सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क, रिस्क एसोसिएटेड विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक एग्जांपल देता हूँ, इंफोसिस का तुमको कांड पता होगा जो विशाल सिक्का ने जब रेजिग्नेशन लेटर डाला था, ही पॉइंटेड आउट द व्हाट आर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, व्हाट आर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। सो व्हाट इज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नथिंग बट व्हाट इट इज अ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स व्हिच इज मेड बाय द कंपनी फॉर दी, मतलब एक पॉलिसीज रहती है कि भी इस तरीके से कंपनी काम करेगी, है ना, एक सेट ऑफ पॉलिसीज है, सेट ऑफ रूल्स है ना। देखो इधर मैंने डेफिनेशन भी लिखा होगा, एक सेकंड, नहीं लिखा गया, ना लिखा है, सॉरी, है ना। तो सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो डिजाइन हुए हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, है ना, ताकि दिक्कत ना हो शेयर होल्डर्स के बीच में, है ना। इसीलिए इसमें एग्जाम्पल दिया गया सत्यम और इन्फोसिस का, है ना। केस स्टडी सेक्शन में तुम कवर कर लेना, हो टेलीग्राम से पढ़ लेना, ठीक है, वीडियोस डालिए उसमें, उसमें देख लेना। फिर अगला जो आता है हमारा ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। अगला क्या आता है? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। सर एंटरप्राइज मतलब क्या? सर ओवरऑल बिजनेस लेवल पे क्या रिस्क है, ओवरऑल बिजनेस लेवल पे क्या रिस्क है, सर पूरे धंधे पे क्या रिस्क है, ओवरऑल बिजनेस का रिस्क को समझो। और ऊपर जो मैं बात कर रहा था कॉर्पोरेट रिस्क, है ना, क्रेडिट रिस्क, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एक एक रिस्क, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल रिस्क, बट व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट ERM, ERM से इसकी एज अ होलिस्टिक अप्रोच, यू थिंक अबाउट एज अ होल बिजनेस, एज अ वन, यू थिंक अबाउट होल बिजनेस एज अ वन एंड डिसाइड एंड सी व्हाट इज द रिस्क दैट होल बिजनेस इज हैविंग। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आता है अगला ऑपरेशनल रिस्क। सर ऑपरेशनल रिस्क का मतलब होता है द रिस्क विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ पीपल, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, सिस्टम्स एंड एक्सटर्नल इवेंट, इन सब वजह से जो रिस्क हो रहा है उसे हम कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क। सर पीपल की वजह से, ऑपरेशन की वजह से, ये सब जो भी वजह से रिस्क हो रहा है उसे मैं कहता हूँ ऑपरेशनल रिस्क। सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल है PNB। भाई PNB के वजह से, PNB का जो स्कैम हुआ था वो ऑपरेशनल रिस्क था, पीपल फेल्यूर, टेक्नोलॉजी फेल्यूर, टेक्नोलॉजी रिस्क भी था, टेक्नोलॉजी वॉज नॉट इन प्लेस। अपन आगे जो चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे, जो तुम नेक्स्ट लेक्चर देखोगे उसमें मैं टेक्नोलॉजी रिस्क के बारे में बात किया, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट आई सेज, वी हैव कवर्ड द ऑल ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो हम स्टार्ट कैसे किए, एक समरी ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला रिस्क, रिस्क जो होता है डिसीजन से आता है, डिसीजन इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस क्या है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके बेसिस पे आएगा एक आउटकम, आउटकम को मैं देखूंगा कि क्या वो आउटकम मेरे लिए फेवरेबल है या नहीं है। उसके बाद मैंने देखा रिस्क मैट्रिक्स, रिस्क मैट्रिक्स में मैंने प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस के चार प्रोबेबिलिटी ये देखा, चार इवेंट्स देखा, जिसमें मैनेजमेंट जो ज्यादातर भूलता है वो कौन सा इवेंट है, लो प्रोबेबिलिटी हाई इंपैक्ट वाला इवेंट, सबसे डेंजर कौन सा है, हाई प्रोबेबिलिटी हाई इंपैक्ट, उसके लिए रिस्क को अवॉइड ही करो, उसकी तरफ मत जाओ। रिस्क और अनसर्टेनिटी में देखा, अनसर्टेनिटी वो चीज है जिसका इवेंट पता है बट प्रोबेबिलिटी नहीं पता। फिर हमने एक इंश्योरेंस कंपनी के बताया कि हाउ इंश्योरेंस कंपनी डाइल्यूट्स इस रिस्क बाय टेकिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ इंश्योरर। फिर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र जो तुमको नींद में उठा के भी याद होना चाहिए, वो होता है प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज द रिस्क, इवैल्यूएट द रिस्क, ट्रीट द रिस्क एंड मॉनिटर द रिस्क। मॉनिटर कैसे करते हैं, CROs मॉनिटर कैसे करते हैं, रिस्क रजिस्टर के थ्रू, जिसमें मैंने तुमको एक फॉर्मेट बताया था। फिर आता है रिस्क इवेंट, रिस्क इवेंट इज आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल विच कैन बी कंट्रोल और कैन नॉट बी कंट्रोल। अब इसके बेसिस पे मैं रिस्क मिटिगेशन प्लान बनाऊंगा, वो प्लान क्या होगा, आइदर टू रिटेन द रिस्क, ट्रांसफर द रिस्क, अवॉइड द रिस्क और रिड्यूस द रिस्क। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था किसका, स्कूल स्टूडेंट का मैंने एग्जाम्पल दिया था, याद करो। और उसके बाद मैंने बताया था कि मैनेजमेंट कैसे होता है, इधर बिटवीन वी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जहाँ पे मैंने कलर कोडिंग बताया था, मोदी जी कैसे कलर कोडिंग करेंगे ना, रेड ग्रीन और तुम्हारा ऑरेंज, जिसमें वो है ना कोरोना को कैसे कंट्रोल करेंगे। फिर मैंने वॉर और स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में बताया, वॉर जब होता है जो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, स्ट्रेस टेस्टिंग अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, मैंने एग्जाम्पल दिया था 50,000 का लॉस होगा, बट वॉट इज द लॉस दैट आई कैन फेस अंडर द 1% ऑफ द केसेस, वो बहुत ज्यादा हो सकता है, अब नॉर्मल इवेंट होता है उसे स्ट्रेस टेस्टिंग बोलते हैं। ऊपर हमने एक ब्लैक स्वान इवेंट के बारे में पढ़ा था जो कभी कभी आता है, बेसिल ISO 315 और OECD के बारे में बताया, ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। रिस्क टॉलरेंस और रिस्क एपेटाइट का मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिए थे, बहुत चीजों से रिलेट किया था, इफ यू रिमेंबर। तो रिस्क एपेटाइट जो होता है तुम्हारा, वन विलिंगनेस टू टेक द रिस्क, बट इफ आई टॉक द टॉलरेंस लेवल, कि भाई तुम टॉलरेट कर सकते हो कि नहीं, है ना, तो उसके बारे में देखा। तीन प्रकार के बंदे रहते हैं, एक होता है फट्टू, एक होता है जिगरा और एक होता है बैलेंस। फिर हमने देखा इनहेरेंट रिस्क, रेसिडुअल रिस्क, क्लास में मास्टर जी रहेंगे तो तुम चीटिंग करोगे, क्लास में मास्टर जी नहीं रहेंगे तो तुम चीटिंग करोगे, दोनों का डिफरेंस जो होगा मेरा कंट्रोल स्कोर बन जाएगा। फिर मैंने बताया गवर्नेंस रिस्क, ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। फिर मैंने बताया ERM ओवरऑल रिस्क रिडक्शन, तुम्हें पूरे बिजनेस का रिस्क रिड्यूस करना है, ना कि तुम एक एक चीज के रिस्क के पीछे दौड़ोगे, तुम ओवरऑल रिस्क के पीछे दौड़ो, ओवरऑल रिस्क को तुम रिड्यूस करो। फिर मैंने लास्ट में जो कंक्लूड किया है क्रेडिट रिस्क के बारे में,
ठीक है, लास्ट में मैंने क्या कंक्लूड किया है क्रेडिटर्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पे, बट एक ओवरऑल व्यू मेरे को व्यू बन गया कि भाई रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, दिस इज ऑल अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो हम कैसे गो थ्रू करेंगे, तो सबसे पहले मैं तुमको बताऊंगा कि इंडेक्स कैसे देखना, इंडेक्स में कैसे चीजों को देखना है, इंडेक्स को गो थ्रू कैसे करना है ना, और फिर विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर वन। चैप्टर नंबर वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन टू एंड थ्री आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से अगर इफ आई टॉक टू 30 to 40% जो क्वेश्चन आते हैं चैप्टर नंबर वन टू थ्री से आते हैं, और चैप्टर नंबर वन से एक क्वेश्चन पक्का आता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिस्क विच इज फेस्ड बाय दिस 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 कंपनी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर वन, और मजा आ जाएगा। अभी तक का लेक्चर तुमको आई होप अच्छा लगा होगा, कुछ भी इंप्रूवमेंट्स है, कुछ भी इंप्रूवमेंट पॉइंट्स है, यू कैन टेल मी फ्रीक्वेंटली ऑन कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब, नंबर वन। नंबर टू, हमेशा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, मैं उसमें कुछ ना कुछ तो डालूंगा ही, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, है ना। और नंबर थ्री, लेक्चर को प्लीज अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर विच आई एम सेइंग, बिकॉज दिस विल रिलेट टू लॉट ऑफ थिंग्स एंड हेल लॉट ऑफ थिंग्स दिस विल बी रिलेटेड टू। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एक एक चैप्टर रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, तब तुम बोलोगे हाँ भाई चैप्टर जो फर्स्ट लेक्चर जो हमने रिलेट किया था ना भाई, वही हमको अभी चीजों को समझने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और केस स्टडी सुनो भाई, प्लीज केस स्टडी सुनो जो मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में, ये जो केस स्टडी है भाई सत्यम में क्या हुआ है, सोचो भाई कौन सा रिस्क है क्या है, फिर कंपेयर योर आंसर इफ एनी रिस्क आई एम मिसिंग आउट देयर यू पॉइंट आउट मी कि सर ये आपने रिस्क नहीं लिखा है, और ये वीडियो शेयर करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सबको बेनिफिट हो भाई, कोई अपना इंटेंशन नहीं है पैसा वैसा कमाने का, अपन भी स्टूडेंट ही है तुम्हारे जैसे, बस ये बन गए। ठीक है, तो मैंने सोचा यार स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करते हैं, दिस इज द टाइम ओनली वी आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर अ सोसाइटी। ये कल्चर बहुत खराब कर दिया भाई, हर चीज के लिए पैसा मांगो, अपना वो कल्चर नहीं है भाई। ठीक है, अपने को लोग कमाने, अपने पैसे तो कमा ही रहे हैं भाई, पैसा जॉब से कमा रहे हैं, अपने को क्या कमाना है, लोग कमाना है अपना, तो ये इंटेंशन है भाई। ठीक है, ऑल द बेस्ट, इज्जत से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, कोई डाउट आता है पूछो टेलीग्राम पे पूछो। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। ठीक है, एंड सॉरी यार थोड़ा मतलब हिंदी इज अ यूजुअल लैंग्वेज विच आई स्पीक, तो सॉरी फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू कैच अप दैट मच इन हिंदी, बट सॉरी यार मतलब उतना इंग्लिश में मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी जो फ्लुएंसी आती है वो हिंदी में ही आती है, एंड आई कैन बेटर एक्सप्लेन इन हिंदी, बट आई विल ट्राई टू यूज मोर ऑफ इंग्लिश हेंसफोर्थ, लेट्स सी। Thank you. Goodbye.